ये गाड़ी है MA04JK5345 और ये आयसर गाड़ी है MA04JU7897। बीती रात में इस गाड़ी के अंदर करीब करीब 27 लोग थे और इस गाड़ी में 60 से ज़्यादा पैसेंजर थे। ये दोनों गाड़ियां भिवंडी शहर के शांतिनगर पुलिस स्टेशन की हद में फातिमा नगर से जो कारीगर हैं, मजदूर हैं, उनको भरकर यहाँ से ये इस गाड़ी के ठीक पीछे वड़पा पुलिस चौकी है जो तालुका पुलिस स्टेशन के हद में आती है। और ये जो रोड है ये मुंबई आगरा रोड है, यही ख़ास रास्ता है जो उत्तर प्रदेश के लिए जाता है नासिक होते हुए। तो भिवंडी शहर में लॉकडाउन पूरे देश में है, भिवंडी शहर में भी है, मगर सरकार ने जो थोड़ा सा रिलीफ दिया है ट्रांसपोर्टिंग का मामला कि हैवी गाड़ियाँ जो मालवाहक गाड़ियां हैं वो इधर उधर आ जा सकेंगी, तो उसका फ़ायदा अब भिवंडी शहर जो मजदूरों का शहर है तो मजदूरों को मिसगाइड करके, ख़ास बात यह है कि इस गाड़ी में लगभग 90 से 92 मजदूर थे, प्रत्येक मजदूरों से 3,500 रुपया लिया गया था कि तुम्हें भिवंडी शहर से इलाहाबाद तक छोड़ा जाएगा। ड्राइवर अच्छी तरह समझते हैं कि इलाहाबाद तक वो जा नहीं पाएंगे, महाराष्ट्र के ही कहीं ना कहीं हिस्से में पकड़े भी जाएंगे। उसके बावजूद इन मजदूरों को पैसा लेकर वहाँ छोड़ने की बात करते हैं, जहाँ गाड़ी फंस जाएगी वहीं मामला रुक जाएगा। जैसे कि ये दोनों गाड़ियाँ तालुका पुलिस स्टेशन की हद में वड़पा पुलिस चौकी पर बीती रात को कुछ पत्रकारों ने पकड़कर वड़पा पुलिस के हवाले किया। ख़ास बात यह है कि इस गाड़ी से उन मजदूरों को वापस भिवंडी भेज दिया गया है और दोनों गाड़ियाँ यहाँ वड़पा पुलिस चौकी पर जमा है। इनके मालिकों का क्या हुआ, क्योंकि जो पत्रकार थे वो गाड़ी पुलिस के हवाले करके निकल गए थे, मगर इससे साफ साबित होता है कि पुलिस ने ये गाड़ियां यहाँ रोकी तो ज़रूर इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। मगर इस बीच मजदूरों को बहका कर जो इलाहाबाद या उत्तर प्रदेश या दूसरे अदर स्टेट में भेजने की जो कोशिश हो रही है भिवंडी शहर से ट्रांसपोर्ट वालों की, इसमें मजदूरों का जो पैसा डूब रहा है उसका जवाबदार कौन होगा। और बड़ी बात यह है कि रात में जब पत्रकारों ने यहाँ दोनों गाड़ियाँ पुलिस के ज़रिए रुकवाई तो यहाँ जो नाकाबंदी है, कहने को तो भिवंडी शहर के हर रास्ते पर नाकाबंदी है, मगर कोरोना का मरीज़ मालेगांव से भिवंडी पहुँच गया, मुंबई से भिवंडी पहुँच गया, तो फिर कैसे। भिवंडी शहर में आज भी सवेरे 3 कोरोना वायरस के पेशेंट और बढ़ गए, तो ये जो आदान प्रदान का मामला चल रहा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, तो कहीं ना कहीं हमारी जो नाकाबंदी है पुलिस की वो मौके का फ़ायदा उठाकर इस तरह से गाड़ी वाले लोगों को लेकर निकल जाते हैं और कोरोना फैलाने का ये मामला बहुत दूर तक जाता। अब पता नहीं ये जो 90 से 92 लोग थे उसमें कोई ऐसा पेशेंट था कि नहीं, मगर जब ये अपने गांव को गलती से अगर पहुंच भी जाते तो गांव वाले इन्हें अपने गांव में घुसने देते कि नहीं, वो बात की बात है, ये महाराष्ट्र बॉर्डर भी पार नहीं कर पाते। मैं भिवंडी शहर के मजदूरों से अपील करता हूँ कि इस तरह के ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं उनके बहकावे में ना आए। जैसे ये गाड़ी यहाँ जमा हो गई है, अगर किसी भी गाड़ी से आप निकलोगे तो इस तरह से गाड़ी कहीं ना कहीं जमा होगी और आप तकलीफ़ में आओगे। रात में जब पत्रकारों ने ये दोनों गाड़ी यहाँ जमा कराई वड़पा पुलिस चौकी के पास, तो थोड़ी देर के बाद करीब 20 से 25 साइकिल सवार वो भी उत्तर प्रदेश जाने के लिए यहाँ पहुँचे थे। देखिए ये वीडियो मैं मेरे सहयोगी सलमान मेमन के साथ, खान फखरे आलम।
पाओगे, जा नहीं पाओगे। साइकिल पंचर हो गया, क्या करोगे, उठा के लेके जाओगे? कहाँ से आ रहे? कहाँ से? भिवंडी में। कहाँ से? सावंदा। कहाँ जाओगे? यूपी। यूपी में कहाँ? बच्चा। अच्छा, कहाँ से आ रहे? ये भिवंडी से। भिवंडी में कहाँ से? ये शिवाजी चौक से। शिवाजी चौक से। दवा खाने के पैसे भरने।